नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश खबरों की। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल को आज एक महीना पूरा हो गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही सीएम योगी ने 100 दिनों का एजेंडा तैयार कर लिया था, जिससे कि 100 दिनों में प्रदेश का कायाकल्प हो सके और सभी विभागों में बदलाव देखने को मिले। इस एक महीने के अंदर सीएम ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें मुफ्त राशन योजना को 3 महीने के लिए बढ़ाना, एंटी रोमियो स्क्वाड को फिर से सक्रिय करना, तमाम ऐसे कई फैसले हैं जो सीएम योगी द्वारा प्रदेश के लिए लिए गए हैं। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक महीना आज पूरा हो गया है। इस दौरान सरकार ने अपने अब तक के इस कार्यकाल में कई बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए। वहीं 100 दिनों का खाका तैयार करने के लिए भी सीएम योगी ने निर्देश दिया है। तो योगी सरकार के एक महीना पूरे होने पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्राइम टीवी से बात करते हुए विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हमारे सामने कोई भी नहीं टिकने वाला है और हम लगातार जनता के हित के लिए काम करते रहेंगे। और क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम ने, आप भी देखिए। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के आज एक महीने पूरे हो रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एक महीना पूरा हो गया है, आप लोगों का एजेंडा है 100 दिन का। एक महीने में जो काम हुए उसे 100 दिन में और कैसे बेहतर किया जाएगा और आने वाले 5 साल में क्या रोड? संकल्प पत्र के अनुसार, लिए गए निर्णय के अनुसार, जनता के द्वारा दिए गए जनादेश के अनुसार हमारी सरकार प्रदेश की जनता की सेवा में, प्रदेश की सेवा में समर्पित है। अच्छे से काम कर रही है, लोग हमारे काम को वेलकम कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं और अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। नतीजे आए थे तो विपक्ष कह रहा था कि हम उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत हैं और बीजेपी को काम सही तरीके से करने नहीं देंगे, जो सरकार अगर जनता के विरोध में कोई काम करती है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार विपक्ष में जो चीजें हैं वो निकल कर ये आ रही है कि लगातार उसमें टूट है। शिवपाल यादव का अलग मामला चल रहा है, आजम खान का अलग, हमारा उस पर ध्यान नहीं है। हमें जो जनादेश मिला उसके अनुसार जनता की सेवा पर ध्यान है, भारतीय जनता पार्टी की मजबूती पर ध्यान है और हमारा यही एकमात्र लक्ष्य है और इस लक्ष्य के अनुसार हम लोग काम करेंगे, ऐसा हम लोगों का संकल्प। धन्यवाद। तो ये थे केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि लगातार जनता के साथ हम लोग काम करते आए हैं और जनता के साथ ही काम करेंगे। कैमरा पर्सन सुमन के साथ मैं नितिन पाटिल। देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 2541 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 30 लोगों ने कोविड से मौत को देखा है, जबकि 1862 लोग ठीक भी हुए हैं। बता दें कि देश में अब तक संक्रमितों का आंकड़ा 4,30,60,086 पर पहुंच गया है। वहीं 5,22,223 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार दिल्ली में रविवार को कोरोना संक्रमण के 1,083 मामले सामने आए हैं। खबर अलीगढ़ से है, जहां एसएसपी कला निधि नैथानी और पुलिस टीम आने वाले त्योहारों में सामाजिक सौहार्द बनाए रहे और इसके लिए तैयारियां कर रही है। उन्होंने पुलिस बल के साथ दंगा निरोधक योजना का अभ्यास करना शुरू कर दिया है। एसएसपी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को ब्रीफिंग देते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है, ताकि किसी भी तरह की जनहानि ना हो। वहीं अभ्यास के दौरान भीड़ को संभालने के तरीके भी बताए गए। दो चीज़ें होती हैं, एक बलवा नियंत्रण ड्रिल होता है और एक एंटी रायट स्कीम होती है, दंगा नियंत्रण स्कीम। जो एंटी रायट ड्रिल है, उसका जो ड्रिल है वो 2 दिन से लगातार हमारी छेरत में जो नई पुलिस लाइन है वहाँ कराया जा रहा था, जिसमें सभी थानाध्यक्ष और उनसे ऊपर CO एडिशनल SP सभी ने उसमें जो है दंगा नियंत्रण उपकरण कैसे चलाना है, कब चलाना है, क्या उसका विधि है, कैसे मजिस्ट्रेट का परमिशन जारी होता है, कब कितना बल इस्तेमाल करना है, ये उसमें पूरा सिखाया गया और बताया गया। एक सब ने उसमें प्रैक्टिस किया। जो दंगा नियंत्रण स्कीम सभी शहरों की होती है वो पहले से डिफाइंड होती है, उसका समय समय पर रिहर्सल इसलिए कराना जरूरी होता है कि सबको पता रहे कि आकस्मिकता की स्थिति में उनको कहाँ पहुँचना है, क्या उनका पहनावा होना चाहिए, जिसे एंटी राइड गियर बोलते हैं, हेलमेट, बॉडी प्रोटेक्टर, डंडा, फाइबर शील्ड और साथ में क्या क्या एंटी राइड के उनके जो अस्त्र हैं उनको रखना है। इसके अलावा जहाँ पर भी वो पहुँचें समय जल्दी पहुँचें, उनके टीम कौन कौन है, टीम में आपस में बॉन्डिंग हो, एक दूसरे को सब नाम से और चेहरे से पहचानते हो, और कैसे अराजक तत्वों को जो है संभालना है और कैसे संपत्ति और जीवन का नुकसान यदि किसी बलवे से हो सकता है तो उसको कैसे बचाना है।
फरुखाबाद में सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में अवैध अतिक्रमण अभियान लगातार जारी है, जहां क्रिश्चियन कॉलेज के पास मुस्तफा और सरदार शोरूम के बाहर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रही। वहीं शोरूम मालिकों ने अभियान का विरोध भी किया और सरकारी काम में बाधा डालने की सूचना पर पहुंची सीओ सिटी से शोरूम मालिकों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो लोगों को हिरासत में लिया है। अभी हम अभियान से जो हमारा निर्धारित शेड्यूल है उससे दो दिन पीछे हो चुके हैं और बचा हुआ अभियान को पूरा कराने के लिए हम लोग तत्पर हैं। आज जहाँ पे हम कल अतिक्रमण हटवा रहे थे वहाँ पे लोगों के द्वारा विरोध किया गया कि यहाँ पे नाली नहीं है और आप अपना रिकॉर्ड मंगा के चेक करिए, तो जब रिकॉर्ड देखा गया राजस्व रिकॉर्ड तो उसमें वहाँ पर सड़क के अतिरिक्त हमारी बंजर की पट्टी और मिली और जो भी क्रिश्चियन कॉलेज की बाउंड्री से उसको संज्ञान में लेकर अब भविष्य की कार्रवाई की जा रही है और लोगों ने काफी भारी विरोध किया उन पे। यदि इनका इस तरह का विरोध जारी रहेगा तो हम लोग उन पे। खबर औरैया जिले के तहसील विधुना से है, जहां शेखोपुर गांव में चकबंदी अधिकारियों की अनदेखी के चलते पीड़ित ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। भारी संख्या में ग्रामीण न्याय मांगने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। ग्राम प्रधान श्रीमती मीरा देवी की अगुवाई में ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि चकबंदी अधिकारी गाँव की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। वहीं ग्राम प्रधान ने यह भी कहा कि यदि सुनवाई नहीं हुई तो वो उच्च अधिकारी तक भी जाने के लिए तैयार है। पहले चकबंदी हुई है पुराने प्रधान के कार्यकाल में हुई है, अब पिछले साल प्रधानी चेंज हो गई है। अब जो नए प्रधान आए हैं उनका मेन उद्देश्य है कि दोबारा चकबंदी हो, हमारे कार्यकाल में हमारे तरह चकबंदी हो, जो कि नियमानुसार संभव नहीं है। जो चकबंदी हो गई है उसी के आगे बढ़ाया जा सकता है। जो नए प्रधान बने हैं, नई कमेटी बनी है, उनका ये दायित्व है, उनका ये कर्तव्य, उनको करना चाहिए कि जो गलतियाँ हुई हैं उनको सुधार कराएँ, लेकिन ये गलतियों को नहीं बताते, बस ये कहते हैं बहुत गड़बड़ी हुई है, बहुत गलत हुआ, दोबारा चकबंदी हो, जो कि नियमानुसार सही नहीं है। खबर रायबरेली से है, जहां जिस बाईपास मार्ग को लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री ने किया था उसे महज 5 महीने में ध्वस्त होने से मार्ग को बंद कर दिया गया है। वहीं रास्ता न खोले जाने को लेकर लोगों ने काफी नाराजगी जाहिर की है। बाईपास रोड बंद रखे जाने से भारी वाहनों को कस्बे के अंदर से होकर गुजरना पड़ रहा है, जिससे जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। की जाए तो यहाँ पर अब जो है लोग स्टंट करने आते हैं और बर्थडे मनाने आते हैं, और आपको बता दें कि लगातार इस पुल पर जो टूटा हुआ पुल है बनने का तो नाम ही नहीं ले रहा है, और कुछ मौरा गिट्टी से लदा पड़ा हुआ है। एक साइड में से स्टॉक लगाकर लोग रखते हैं, इसी बीच हमारे साथ व्यवसाय की बात मानी जाए, व्यवसाय जिस तरीके करते हैं तो यहीं पर स्टॉक लगा कर रखते हैं। और आपको बता दें कि मेरे साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य राम प्रताप यादव जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं और इसके बारे में। आप बताइए जो ये ओवरब्रिज ब्रिज है ये कब से बना हुआ है और कब जो ख़राब हुआ है इसके बारे में आपको क्या है? ये 18 में मोदी जी और मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ जी आए थे, वही रेल कोच 50 से वहीं से फीता काट कर उद्घाटन किया गया था। महज मात्र 5 महीने से 6 महीने में ध्वस्त हो गया है। इसमें बता रहे हैं कि दराज आ गई है कि टूट गया क्या है क्या नहीं हुआ। मैं जो हमने 1033 नंबर जिसकी गाड़ी चलती है उससे पूछा, जब वहाँ हमारे ढाबे के पास उन्होंने रोक लगाई है कि भैया गाड़ी हटवा दीजिए जाए, नहीं तो यहाँ से पुल बन आने जाना नहीं मिलेगा। हमका क्यों? कहें पुल रोक दिया गया है, इससे कोई नहीं जा सकता है। हमका क्यों? हमका इतना समय क्या लगेगा? तो बता रहे हैं कि मात्र 15 दिन। राम प्रताप जी हमारे साथ थे, अभी उन्होंने बताया कि इस हाईवे पर होता क्या है, बंद टूटा पड़ा हुआ हाईवे है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। तो आपको बता दें कि ये लगातार जो है 6 महीने भी नहीं चल सका ये ओवरब्रिज पुल, और जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया हो और उस जैसे पुल ना चल सके इस पर लगातार बने रहे। हमारे साथ अजय प्रताप सिंह, प्राइम टीवी रायबरेली। खबर गाजीपुर से है, जहां अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त तक जिले में 75 तालाबों का निर्माण किया जाएगा। आजादी के 75 वर्षों में अमृत सरोवर योजना के तहत जिले के भी 16 ब्लॉकों में 75 तालाबों का निर्माण और पुराने जर्जर तालाबों की मरम्मत और सुंदरीकरण किया जाएगा। इस योजना को लेकर जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने कवायद शुरू कर दी है, जहां मनरेगा के तहत तालाबों का निर्माण और मरम्मत सुंदरीकरण किया जाएगा। इस योजना के जरिए जहां जल संरक्षण में मदद मिलेगी तो वहीं श्रमिकों को रोजगार भी मुहैया होगा। जनपद में हमारे 1238 ग्राम पंचायतें हैं और इनमें 16 ब्लॉकों में ये विभाजित है।
हमारे जनपद में आज़ादी की 75 साल पूरे होने पर हमारे हर ब्लॉक में 10 तालाब का लक्ष्य दिया गया है, जिनकी की खुदाई नए सिरे से कराई जानी है एवं पुराने तालाबों का भी जीर्णोद्धार कराया जाना है। नहीं, जनपद में जो नलकूप सरकारी नलकूप स्थापित हैं, प्रयास ये है कि सारे नलकूप संचालित रहें, क्रियाशील रहें। छोटी मोटी कोई गड़बड़ी या टेक्निकल फॉल्ट जब भी कहीं प्राप्त होता है तो हम संबंधित विभाग के माध्यम से उसको अतिशीघ्र ठीक कराने का प्रयास करते हैं। जहाँ नलकूप होता है, नलकूप के लिए पानी निकासी के लिए सरकारी नालियाँ भी बनी होती हैं। यदि किसी के खेत तक सरकारी नाली नहीं बनी है तो हमारा प्रयास होता है कि अगर नाली बनाने के लिए जगह है उपलब्ध तो बना दिया जाए, लेकिन नहीं उपलब्ध है तो फिर पाइप के माध्यम से उसके खेत तक पानी पहुँचा दिया जाए। फरीदाबाद के रघुवीर कॉलोनी में एक रबड़ फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। फैक्ट्री के मालिक के मुताबिक शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी। कंपनी में लगे फायर उपकरणों के जरिए आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी पहुंच गई, जिन्होंने आग पर काबू पाया। फिलहाल इस हादसे में हुए नुकसान का अनुमान नहीं लगाया जा सका है। सुबह 8:30 बजे के आसपास शॉर्ट सर्किट हो गया, तो थोड़ा सा पता नहीं लगा लेबर को, थोड़ा आग दिखी तो लेबर ने अपने जो भी फायर इक्विपमेंट लगाए हुए थे तो उससे तकरीबन 70% उन्होंने कंट्रोल कर लिया। इतनी देर में अड़ोस पड़ोस ने फायर ब्रिगेड को फोन कर दिया, उन्होंने भी आके अपनी आधे घंटे में ही उसको आग को कंट्रोल कर लिया। वैसे कोई ऐसी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने की टाइम हमारे टैबलेट के अंदर पंचकुला से हमारे पास 112 पे आई थी कॉल, उसके तुरंत बाद हम यहाँ पहुंचे। आग पर काबू पा लिया गया, दो फायर ब्रिगेड की गाड़ी बराबर काम कर रही है, पुलिस प्रशासन अपना। पंचायत दिवस के मौके पर पीएम ने महिलाओं को पंचायत स्तर पर जल बचाने की जिम्मेदारी सौंपने को कहा, जिसके बाद गाजियाबाद में वैशाली इलाके से बैंड की धुन पर राष्ट्र सेविका समिति ने हाथों में लाठी थामकर पदयात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने समाज को ये संदेश देने की कोशिश की कि महिलाएं किसी भी तरह से कमजोर नहीं है और वो किसी भी परिस्थिति से लड़ने और उनका डटकर सामना करने के लिए तैयार है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हाल ही में विवादित बयान के आरोप में जेल गए बाबा बजरंग मुनि जेल से रिहा हो गए हैं, और जेल से रिहा होने के बाद बाबा बजरंग मुनि ने सीतापुर सीओ सिटी पीयूष सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीओ सिटी पर सीतापुर जेल में अपनी हत्या करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है, जिसके बाद अब उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ऐलान करते हुए कहा कि वो इसके विरोध में पैदल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाकर न्याय की गुहार करेंगे। आगे बाबा बजरंग मुनि ने वीडियो में क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनाते हैं। 11 का न्यायपालिका का पूरा सम्मान करता हूँ, इसीलिए मैंने शांति प्रिय तरीके से अपनी गिरफ्तारी की, लेकिन यहाँ के सीओ पीयूष सिंह सीओ सिटी पहले भी मेरी हत्या करने के लिए संलिप्त थे और इस बार भी हत्या करने का प्रयास जेल में करवाया उन्होंने। आजम खान से मिलकर 2 करोड़ रुपए लेके खुद जाके स्वयं मुझसे कहा और यहाँ मेरी पब्लिक को, मेरे समर्थकों को मारा, मुसलमान के लड़कों को घर में घुसाया और अत्याचार करवाया, सामान तोड़वाया। इसके विरोध में मैं अभी ठीक 11:30 से 12 बजे के बीच में पैदल। यूपी पुलिस में तैनात वर्दीधारी की दबंगई सामने आई है, जहां जमीनी विवाद को लेकर सिपाही और उसके परिजनों ने घर में घुसकर पीड़ित परिवार पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला बोल दिया। इस खूनी संघर्ष में 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों की हालत नाजुक देखते हुए सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां 3 की हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़ितों का आरोप है कि आरोपी पुलिस विभाग में है, इस वजह से पुलिस दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बता दें कि अर्चनपुर थाना क्षेत्र के पिंडारी सरहगी गांव का यह मामला बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।